आज आप देख रहे हैं कि सब लिस्ट या लिस्ट एंड लिस्ट कॉन्सेप्ट को किस तरह से इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, ऐसे आपको भी लिस्ट बनानी होगी डेटा की। आप चाहें तो इस डेटा की लिस्ट को जो है आप इसी शीट पे बनाएं या किसी और शीट पे बना लें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरी ये डेटा की जो लिस्ट है वो इस पे बनी हुई है, जिसका नाम मैंने डेटा रख दिया, और इसका जो कंट्रोल है वो मुझे यहाँ बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे मैन लिस्ट, और इसका नाम रख दिया सब लिस्ट। ठीक है, सब लिस्ट लिख दिया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मेन लिस्ट में मेन डेटा दिखाना है और सब लिस्ट में सबका डेटा दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लिया और उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से डेटा को प्रेजेंट करना है। पहले इस लिस्ट पे थोड़ा सा मैं काम करना होगा। मैं पहले से जो इनके नाम रखे हुए हैं उनको सिलेक्ट करके पहले मैं डिलीट कर देता हूँ जो हमने पहले से नाम रखे हुए थे। लेकिन सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पहले आपने मेन लिस्ट बनानी है इस तरह से, मतलब कौन कौन से आइटम आपकी मेन कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, अब यहाँ पे स्पेस यूज नहीं करना, आपने अंडरस्कोर यूज कर लें या फिर मिला के ही लिख लें, लेकिन स्पेस आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपने जब ये नाम लिख लिए तो अब इन सारे नाम का जो लिस्ट का जो नाम है वो आप ये रख लें आइटम। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ, फार्मूला में जाऊँ, डिफाइन नेम पे क्लिक करूँ, जो पुराना तरीका है उस तरह से नाम रखूँ और एंटर कर दूँ। और एक लेटेस्ट तरीका है इसका, वो ये है जो नाम है उसको भी सिलेक्ट कर लें और जो डेटा है उसको भी सिलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहीं पे डिफाइन नेम के नीचे ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट करें नाम सिलेक्शन से। कौन से सिलेक्शन से? जो टॉप रो पर है। टॉप रो पे क्या लिखा हुआ है? आइटम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइटम। अब चेक कर लें इसका नाम आइटम हो चुका है। क्लिक करेंगे, देखिए आइटम नजर आ रहा है। अब इसको तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे मैन लिस्ट पे। तो सिलेक्ट किया मैन लिस्ट एरिया को, जितने हिस्से को हमें बाउंड करना है। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके हमने लिस्ट पे क्लिक किया। लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ क्लिक किया, फॉर्मूला में गए और यूज इन फॉर्मूला में के दिया इक्वल टू आइटम। अब ये सारे सेल्स बाउंड हो गए इसके साथ। चेक कर लेते हैं, क्लिक किया यहाँ से, तो देखें सारे सेल्स इधर आ रहे हैं और यहाँ पर आपने एक दो एंट्रीज ले लेनी है। ठीक है, अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? इसके भी नाम को ऐसे ही करना है। पहले आपने सारे हर मेन आइटम की लिस्ट के जो सब आइटम्स होंगे उनके सामने लिख देने हैं रोज में। फिर आपने क्या करना है, उन आइटम के नाम को भी सिलेक्ट करना है और जो उनके सब आइटम्स हैं उनको भी सिलेक्ट करना है मैक्सिमम। ठीक है, सही। अब इनके नाम रखने, यानी कि इस लिस्ट का नाम रखना है कंप्यूटर, इस लिस्ट का नाम रखना है स्मार्टफोन, इस लिस्ट का नाम रखना है ड्रेस। तो करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और कह देंगे अब जो नाम रखने हैं ना हर लिस्ट के, उसके लेफ्ट कॉलम का नाम रखने हैं। कौन सा नाम रख दें? लेफ्ट कॉलम नेम। ओके, इन सबके नाम, इस लिस्ट का नाम ये हो गया, इस लिस्ट का नाम ये हो गया, सबके नाम हो गए। अब जाके चेक कर लें, ये देखें सबके नाम यहाँ पे ऐड हो गए और नेम मैनेजर में भी आपको नाम नजर आना है। अब आप यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले एक दो नाम सिलेक्ट कर लेना। फिर जाएंगे डेटा में और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कहेंगे लिस्ट और कहेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट। यहाँ से कहेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट, ये एक फंक्शन का नाम है, ये लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और पहले कॉलम के पहले सेल का नाम रख देना है। जैसे A1, पहले कॉलम के पहले सेल का नाम लिख देना है, यानी कि उस कॉलम का पहले सेल का नाम रख के जैसे एंटर करेंगे आप, यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके तो इसके आगे। ओहो अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे ये नाम नहीं रखना था बल्कि ये वाला नाम रखना था जो कि A2 है। तो दोबारा से सिलेक्ट करेंगे इस फॉर्मूले को और यहाँ पे जाएंगे डेटा में और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू इनडायरेक्ट बाद A2 लिख देंगे, आपने टाइप करना है। ठीक है, ओके करेंगे, अब देखें बिल्कुल हो गया। अब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखें स्मार्टफोन के सारे नाम आ गए। क्लिक किया यहाँ पे तो ड्रेस के आगे ड्रेस के नाम आ गए और आगे क्लिक किया शूज पे तो शूज के नाम आ जाएंगे। सही है, अब क्या करना है? एक मसला आ गया भाई, देखिए तमाम लिस्ट के नाम एक जैसे नहीं है, मतलब इसके कुछ कम है, इसके कुछ ज्यादा है, इसके उससे भी कम है, इसके थोड़े ज्यादा है, उसके इससे ज्यादा है, इसके बराबर है, इसके कम है और इसके बहुत कम है। तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि भाई जिसमें कम है तो उसके नीचे व्हाइट एंट्रीज आ रही है। देखें क्या आ रही है, व्हाइट एंट्रीज आ रही है। अब इन व्हाइट एंट्रीज को खत्म करने का क्या तरीका है भाई? जिस जिसमें आपने ऐसे सिलेक्ट किया था ना, तो एक्स्ट्रा कौन कौन सी आ गई, जो व्हाइट एंट्रीज है उनको सिलेक्ट करते जाएं, राइट बटन दबाएं, डिलीट करें, शिफ्ट सेल लेफ्ट करें और ओके कर दें। इसके तीनों सिलेक्ट करें, डिलीट करें, शिफ्ट सेल लेफ्ट कर दें। इसके दो सिलेक्ट करें, राइट बटन दबाएं, डिलीट करें, डिलीट शिफ्ट सेल लेफ्ट कर दें। क्लिक करें, राइट बटन दबाएं, डिलीट सेल शिफ्ट कर दें। क्लिक करें, राइट बटन दबाएं, डिलीट शिफ्ट सेल लेफ्ट। क्लिक करें राइट। ओके, ये सारा डेटा क्लियर हो गया। अब आप जाके चेक कर लें, हर डेटा पूरा पूरा आपको लिस्ट में नजर आएगा। ओके, ये देखिए सही। अच्छा, अब कोई नया आइटम आ गया तो नया आइटम कैसे ऐड होगा? मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नया आइटम ऐड करना है हमें, तो आइटम आपने ऐड करना है, सिंपली यहाँ जाना है और वो आइटम सपोज टू बी क्या है, वो है एडॉप्टर्स।
ऐड हो गया एडॉप्टर्स। अब एडॉप्टर कौन कौन सी कंपनी के आ रहे हैं, डेल के आ रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डेल 90 वॉट्स, ठीक है, डेल 120 वॉट्स, डेल एचपी 90 वॉट, ठीक है, ये मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। लेकिन ये वो लिस्ट में तो ऐड ही नहीं हुए होंगे, ये देखिए बिल्कुल भी ऐड नहीं हुए। तो सिंपली क्या करना है, अपने इस लिस्ट को अपडेट कर देना है, दोबारा से सिलेक्ट करना है उस नए आइटम के साथ, फॉर्मूला में जाना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन फ्रॉम टॉप साइट, ओके करके इसको अपडेट कर देना है, और इसको इस तरह से भी एक दफा अपडेट कर देना है, बल्कि सबको करने की क्या जरूरत है, जिसकी है उसी को लिस्ट को अपडेट कर दें, यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन फ्रॉम लेफ्ट कॉलम और ओके करके अपडेट कर दें। जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी और उसकी सब एंट्रीज भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट को बाउंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी सब लिस्ट बना सकते हैं।